हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम भारत के भूगोल को कवर करेंगे और ये तथ्यात्मक नोट्स हैं। काफ़ी शॉर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सामान्य परिचय देखें तो भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश रूस है, फिर कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद सातवां स्थान भारत का है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है चीन के बाद। चीन सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से देश है और दूसरा भारत है। भारत विश्व के 2.4% भूभाग को अधिकृत किए हुए हैं। 23° 30' उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं, ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। भारत की प्रामाणिक मध्याय रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST जो है 82° 30' पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ये देशांतर रेखा प्रयागराज के पास नैनी, मिर्जापुर आदि से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय GMT से 5 घंटा 30' आगे है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो कि जिसे ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है, एवं मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी तमिलनाडु है। सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु यानी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल है लद्दाख में। सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु यानी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है ये गौर मोता है 68° 7' पूर्व अथवा गुहार मोती गुजरात है। सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु यानी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो किवीतू है अरुणाचल प्रदेश में। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो कि पाक डमरू जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। पाक जल डमरू मध्य बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है, जबकि धौलाधार पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा आदि। सतपुड़ा श्रेणियाँ दक्कन पठार का भाग है, इनका विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों में है। इस श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई महादेव पहाड़ी के पंचमढ़ी के निकट धूपगढ़ 1350 मीटर में मिलती है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ये एक पर्वत ग्रंथि है जहाँ की पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट आकर के मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेट्टा 2637 मीटर है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन आस्टिन या K2 काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। समुद्र तल में इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। नंदा देवी भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है और K2 8611 मीटर तथा कंचनजंगा 8598 मीटर के बाद। इसकी ऊंचाई जो नंदा देवी की ऊंचाई 7816 मीटर है और ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। थाल घाट, भोर घाट व पाल घाट पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इस हिमनद से शारदा नदी काली गंगा का उद्गम होता है। भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण दर्रे हैं और उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। तो बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू एवं कश्मीर में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। शिपकीला दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। बूमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। माना दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में है। मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है। जोजीला दर्रा लद्दाख में है। डाफला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अब परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए। भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल संख्या है 8। शांत घाटी अवस्थित है केरल में। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में। पीर पांजल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर और ये अविभाजित हिमाचल प्रदेश है। लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। कुल्लू घाटी जो है वो धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। द्वीप समूह, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द्वीप समूह। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। ये द्वीप जो है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है।
बेरिन द्वीप बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है। रामेश्वरम द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। सालसेट द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य और संघीय क्षेत्र। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन बड़े राज्य क्रमशः इस प्रकार से हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और फिर महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश, अगर आप आंकड़े देखना चाहें तो देख सकते हैं पॉज करके, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का और महाराष्ट्र का। उत्तर प्रदेश की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य एवं एक केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो किस प्रकार हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड, तथा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है। तो 8 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर पूर्वी राज्यों में सात वाहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप है। भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा 32 वर्ग किलोमीटर केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है, 64,773 है। पुदुचेरी 4 अलग अलग जिलों में विभाजित है, जिनमें से 2 है कराइलकर और पुदुचेरी, तमिलनाडु में यमन, आंध्र प्रदेश में तथा माहे केरल में विस्तारित है। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के राज्यों में से आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला है सोनभद्र। तेलंगाना राज्य की सीमा स्पर्श करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति समूह भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। इनका मुख्य निवास मध्य भारत में है। गारो मेघालय की जनजाति है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों की निवासी है। सहरिया जनजाति के लोग राजस्थान के निवासी हैं। शोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। भारत एवं भारतीय उपमहाद्वीपों में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वाले वालों की संख्या के आधार पर हिंदी के बाद बंगाली का क्रम है। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है जारवा। परहरिया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद खीरी है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। गंगा भारत की सबसे लंबी, लंबाई में 2,525 किलोमीटर नदी है। तो गंगा भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। और इसका उद्गम जो है गंगोत्री हिमानी से होता है। टिहरी में भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है, फिर ये संयुक्त धारा आगे चलकर मेघना में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी एवं यमुना है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर हैं फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर और सोरो आदि। केन, बेतवा एवं चंबल यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं जयमोली, तिस्ता, कामेक, सुबनसिरी, धनसिरी, बूढ़ी दिहांग, दिहांग और कापीली हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या शापू के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, असम में
में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी हिमालय श्रेणी की तीनों श्रेणियों को काटती हुई प्रवाहित होती हैं। सतलज नदी तिब्बत में 4,555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, जहां इसे लॉन्गचेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। भारत की पश्चिमी ओर से बहने वाली नदियाँ हैं, जैसे कि नर्मदा है, ताप्ती है, पेरियार है आदि, डेल्टा का निर्माण न करके ज्वारंदमुख का निर्माण करती है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई के निकट सतपुरा पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती हुई अरब सागर से कैम्बे की खाड़ी में समुद्र से मिल जाती है। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुरा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। गोदावरी को वृद्ध गंगा अथवा दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर, जिसे बंगाल का शोक का हद कहते हैं, का उद्भव छोटा नागपुर पठार 1366 मीटर का ये इससे होता है और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भारत में चंबल और सोन नदियाँ पूर्वारोपित या अध्यारोपित नदियों का अच्छा उदाहरण है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 29 मीटर है तथा इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। फुलहर झील से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। ये पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश के माधोटांडा के पास स्थित है। असम में चंदूबी झील एवं हमीरसर झील गुजरात में स्थित है। हुंडू प्रपात जो है सुवर्ण रेखा बोलते हैं ये इस नदी पर झारखंड में स्थित है। भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। सोन, नर्मदा तथा महानदी अमरकंटक से निकलती है। लूनी जो है भूमि बंधित नदी है। लूनी केदारनाथ मंदाकिनी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जलवायु। भारत एवं उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत जो है ये एक उपोष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु वाला देश है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण कि दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में तथा सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा की फुहार है, जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। मौसिनराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। भारत में मानसून का प्रवेश केरल में होता है। भारत में लेह यानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। भारत में उत्तरी मैदानों में पश्चिमी विक्षोभों से शीत ऋतु में वर्षा होती है। जलवायु के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश को नौवा शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्राकृतिक आपदाएं। भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से चार क्षेत्रों यानी चार जोन में बांटा गया है। तो वो भूकंपीय क्षेत्र है और ये इसकी तीव्रता दी हुई है, सिस्मिक जोन और इसकी इंटेंसिटी। तो अल्प तीव्रता क्षेत्र 6 या कम, लो डैमेज। थर्ड मध्यम तीव्रता क्षेत्र, डैमेज टू बिल्डिंग्स। फोर्थ है गहन तीव्रता क्षेत्र, जो कि ये देखें तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स है। अति प्रचंड तीव्रता 9 से एवं अधिक, वेरी हाई डैमेज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मिट्टी। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेंगूर या रेंगड़ या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चरनोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है काली मिट्टी को। तो भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर मिलता है।
काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी से तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। कक्षारी मिट्टी, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, यह सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है। ये मिट्टी देश के 40% भागों के लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख दलहनी फसलें हैं पहला है ये अल्फा जो है, उसके बाद है ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन और उड़द आदि, ये है दलहनी फसलें। लाल मिट्टी वाला लाल रंग का फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है लाल रंग, लेकिन जलयोती रूप में ये पीली दिखाई देती है। लाल मिट्टी 5.18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तेजाबी जो है एसिडिक मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः चूने का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी के साक्षरियता को बदलने और उससे खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। चंबल घाटी क्षेत्र में खो खड्डों का निर्माण अवनालिका अपरदन यानी गुल्ली एरोजन के कारण होता है। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं मथुरा और आगरा। केचुए मिट्टी के निर्माण एवं इसकी उत्पादकता में वृद्धि में विशेष योगदान देते हैं। इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र का इंजीनियर कहा जाता है केचुआ को। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जो है CSSRI सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल हरियाणा में स्थित है। बलुई दोमट में मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। एजोला एवं नीलहरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है। अब नेक्स्ट हम प्राकृतिक वनस्पति देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, जिसको पतझड़ी कहते हैं, ये वन भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। सागौन तथा साल इसके महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। इसे डाक अवस्था पलाश के नाम से भी जाना जाता है। भारत के पश्चिम बंगाल के बाद मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र गुजरात तट के सहारे पाया जाता है। भारत में सुंदरवन मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंचाई। देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। स्टैटिस्टिकल ईयरबुक इंडिया 2018 के अनुसार वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के आधार पर देश में सिंचाई के प्रमुख साधन नलकूप हैं, जिनका कुल सिंचाई में लगभग 46.2% का योगदान है। नलकूप और अन्य कुओं को जोड़कर सिंचाई की जाने वाली कुल भूमि की प्रतिशतता की मात्रा जो है 62.82% आती है। नहरों द्वारा सिंचित भूमि 23.66% तथा टैंक्स द्वारा सिंचित भूमि लगभग 2.52% है और शेष 11% में अन्य साधन सम्मिलित हैं। भारतीय सिंचाई परियोजना को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, लघु सिंचाई परियोजना। इसके तहत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। भारत की सिंचाई लगभग 62% की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजना से होती है। और दूसरा जो है ये है मध्य सिंचाई परियोजना। इसके तहत 2000 से 10000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। तीसरा है वृहद सिंचाई परियोजना। इसके तहत 10000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं से देश की 38% सिंचाई जो है वो आवश्यकता पूरी होती है। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्था गंग नहर है। ये नहर सतलज नदी के फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर है और इसका उद्गम सबसे लंबी जो नहर है वो शारदा नहर है और इसका उद्गम स्थल जो है ये बनबासा उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर स्थित है। इस नहर के तंत्र की कुल लंबाई जो है ये है 9961.3 किलोमीटर है। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। इसका पूर्ण जलाशय स्तर 138.68 मीटर है। भाखड़ा नांगल बहुउद्देश्य परियोजना पंजाब हरियाणा और राजस्थान राज्यों को संयुक्त उपक्रम है। हीराकुंड बांध परियोजना ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई महत्वाकांक्षी परियोजना है। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण बांध, गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है, राणा प्रपात
सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान निर्मित किए गए हैं। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में किया गया था और तुलबुल नौवहन परियोजना जम्मू एवं कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित की गई है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में भागीरथी नदी पर निर्मित है। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र राज्य में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है बेतवा नदी पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश का पारीक्षा बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है। अब नेक्स्ट हम भारतीय कृषि पढ़ेंगे। भारत में मुख्यतः तीन फसलों की बुआई की जाती है। पहला है रबी फसल। रबी फसल की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में होती है और इसकी कटाई मार्च और अप्रैल के दौरान होती है। प्रमुख फसल है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू इत्यादि। और खरीफ फसल जो है इनकी बुआई जून और जुलाई के दौरान होती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है खरीफ फसल की। और इसकी प्रमुख फसलें हैं खरीफ फसल की चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि। इसके बाद जायद फसल जो है मार्च और जुलाई में होती है, ग्रीष्मकालीन फसल है ये। और इसकी प्रमुख फसलें हैं जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, भिंडी हो गया आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती। मैक्रोनी गेहूँ असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। रस्ट गेहूँ की फसल का रोग है। रस्ट जो है वो गेहूँ की फसल का रोग है। कल्याण सोना गेहूँ की एक उन्नत किस्म है। टिटिकेल गेहूँ एवं राई के मध्य संकर का प्रतिफल है टिटिकेल। और खरीफ की प्रमुख फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग, मूंगफली, तंबाकू, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है और इस संदर्भ में खाद्यान्नों में दूसरे स्थान पर गेहूं का है। चावल की किस्में उगाने का समय अमन जो है जून जुलाई और नवंबर दिसंबर जाड़े की फसल है ये अमन। और आसियाकार जो है मई जून से सितंबर अक्टूबर ये शरद की फसल है। चावल की प्रमुख किस्में हैं जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजय, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना है। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको नीलहद शैवाल कहते हैं ये एजोस्प्रीलियम फॉस्फोबैक्टीरिया एजोला आदि चावल की फसल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक हैं। वैश्विक स्तर पर मक्का अनाज की रानी के रूप में जाना जाता है। मक्का एवं गन्ना C4 पौधा है। चावल, गेहूं, जौ, राई, सोयाबीन, कपास, तंबाकू एवं आलू जो है C3 का पौधे का उदाहरण है। अब मक्का का उपयोग जैव ईंधन के रूप में होने लगा है। कृषिगत उत्पादन भारत 2018-19 में तीन सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन है। तो फसल है और ये राज्य हैं। फसल राज्य समूह उत्पादन जो है और ये अखिल भारत में प्रतिशत हिस्सा। तो खाद्यान्न में चावल जो है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में है। और अगर मिलियन टन में देखें तो 16.05 मिलियन टन में है इसका उत्पादन चावल का पश्चिम बंगाल में। और उत्तर प्रदेश में 15.54 मिलियन टन उत्पादन है और पंजाब में 12.82 मिलियन टन इसका उत्पादन है। और अखिल भारत में देखें तो 116.4 मिलियन टन। और गेहूं का जो उत्पादन राज्य है फसल का ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 32.75 मिलियन टन उत्पादन होता है। पंजाब में गेहूं का 18.24 मिलियन टन उत्पादन होता है और मध्य प्रदेश में 15.47 मिलियन टन उत्पादन होता है। मक्का जो है कर्नाटक में 3.73 मिलियन टन होता है। मध्य प्रदेश में 3.68 मिलियन टन उत्पादन होता है और बिहार में 3.02 मिलियन टन उत्पादन होता है। अखिल भारत 27.2 मिलियन टन होता है। कुल मोटे अनाज जो है राजस्थान में 7.06 मिलियन टन है और कर्नाटक में 5.54 मिलियन टन। मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन 5.02 मिलियन टन होता है। अखिल भारत में देखें तो 43 मिलियन टन उत्पादन होता है। चना जो है मध्य प्रदेश में 4.61 मिलियन टन उत्पादन होता है। उस चना फिर राजस्थान में होता है, महाराष्ट्र में होता है, अखिल भारत 10.1 मिलियन टन। तूर जो है जिसको अरहर कहते हैं ये उत्पादन राज्य है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कुल दालें जो है इनका उत्पादन राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। कुल खाद्यान्न उत्तर प्रदेश में और उसके बाद मध्य प्रदेश में फिर पंजाब में। उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन 54.6 मिलियन टन होता है
मध्य प्रदेश में 32.8 मिलियन टन होता है। तिलहन जो है इसका उत्पादन गुजरात में, तिलहन में मूंगफली जो है इसका उत्पादन गुजरात में, राजस्थान में, तमिलनाडु में होता है। रेपसीड और राजस्थान जो है, रेपसीड और सरसों जो है ये राजस्थान में होता है, हरियाणा में होता है, और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में भी होता है। उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन 1.12 मिलियन टन है। सोयाबीन जो है इसका उत्पादन राज्य है मध्य प्रदेश में सोयाबीन होता है, महाराष्ट्र में होता है, राजस्थान में होता है, सूरजमुखी कर्नाटक में, फिर उड़ीसा में, हरियाणा में भी होता है। कुल 9 तिलहन जो है ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में होते हैं। और अन्य नकदी फसलें देखें तो गन्ना जो है उत्तर प्रदेश में ये फसल होते हैं, उत्तर प्रदेश में ये 179.71 मिलियन टन इसका उत्पादन है गन्ना का। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। कपास जो है इस ये फसलें जो हैं ये महाराष्ट्र में, गुजरात में, तेलंगाना में है। जूट और मेस्ता जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में होता है। आलू जो है इसका फसल जो है उत्तर प्रदेश में है, और ये जो है उत्तर प्रदेश में, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर बिहार में। प्याज जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। सुपारी कर्नाटक, केरल, असम। नारियल केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में होता है। काजू जो है महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में होता है। कुल फूल जो है आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में भी होता है कुल फूल। कुल सब्जियां जो है उत्तर प्रदेश में होता है और पश्चिम बंगाल में और मध्य प्रदेश में। आंकड़े आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश का। और 2018-19 के तृतीय अग्रिम अनुमान में सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम एवं उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। मसाले जो है मध्य प्रदेश में भी होते हैं, राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश में होता है। और 170 किलोग्राम वजन वाली मिलियन गांठों का उत्पादन, 180 किलोग्राम वजन वाली मिलियन गांठों का उत्पादन, और 2017-18 अंतिम तथा उत्पादन 1000 मीट्रिक टन में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो ये नकदी फलें हैं। नकदी फलें जो है इसको कैश क्रॉप्स बोला जाता है। इसके अंतर्गत गन्ना, कपास, तंबाकू, तिलहन आदि प्रमुख हैं। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इनमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता तथा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जैविक पदार्थों यानी ह्यूमस की कमी पाई जाती है। कपास को ही महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण यानी वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। कपास भारत का देशज पौधा है। मध्यम किस्म के कपास के रेशो की लंबाई 3.75 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होती है। छोटे रेशे वाले कपास के रेशे की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर से कम होती है तथा इसके मुख्य उत्पादक देश भारत और ब्राज़ील है। जूट भारत में कपास के बाद एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक फाइबर फसल है। जूट पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में अधिक जूट पैदा किया जाता है। भारत में दो प्रकार की जूट पैदा की जाती है, चीनी जूट और देशी जूट। चीनी उत्पादन प्रक्रम शीरा में एक उपोत्पाद है जिसका उपयोग अल्कोहल निर्माण में किया जाता है तथा प्राप्त जो खोई का उपयोग है वो भाप बनाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। चीनी का निर्माण मात्र गन्ने से ही नहीं चुकंदर से भी होता है। वर्ष 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। गन्ने में प्रजनन का कार्य कोयम्बटूर में किया जा रहा है। कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु में स्थित है और कोयम्बटूर में वर्ष 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1969 को ICAR का भाग बनाया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले का गन्ना उत्तम कोटि का माना जाता है। भारत की प्रमुख तिलहनी फसलें हैं तोरिया, सरसों, तीर, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी और बिनौला। पूसा बोल्ड, पूसा, जय किसान और वरुणा इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। मूंगफली की फसल में जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। मूंगफली मृदा या मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि करने वाली लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है। मूंगफली की उत्पत्ति ब्राजील में मानी जाती है और तिलहनी फसलों में इसका प्रमुख स्थान है। पेगिंग मूंगफली की ही फसल में होने वाले एक लाभकारी प्रक्रिया है। पेगिंग कर्नाटक शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। मूंगा रेशम असम राज्य में सर्वाधिक पैदा किया जाता है।
कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादक राज्य है। केंद्रीय रेशम कीट पालन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कर्नाटक में के मैसूरू शहर में स्थित है। केंद्रीय रेशम बोर्ड भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। रेशम की ज्ञात सभी 5 व्यापारी किस्मों का एकमात्र उत्पादक देश भारत है। प्रमुख दलहन फसल अरहर की उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई थी। अरहर की फसल में मुख्य रूप से उकठा रोग लगता है, ये फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। चना जो है रबी ऋतु में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण दलहन फसल है। चना विश्व में कुल चना उत्पादन का लगभग 70% भारत में होता है। चूने की खेती के लिए हल्की दोमट या दोमट मिट्टी अच्छी होती है। चने की फसल में लगने वाले कीट एवं रोग हैं दीमक, कटवर्म, फली छेदक, झुलसा रोग और उकठा रोग, जिसको विल्ट बोलते हैं। धनिया एवं अलसी के साथ अंतः फसल पद्धति में खेती करनी चाहिए। और मटर एक फूल धारण करने वाली द्विबीजपत्री पौधा है। मटर जो है ये द्विबीजपत्री पौधा है। अपर्णा मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है। मटर की फसल में मुख्यतः 3 तरह के कीट लगते हैं, तने की मक्खी तथा फली बोध कीट, माहू कीट आदि। नेक्स्ट है बगान फसलें। तो राष्ट्रीय बगानी बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। भारत में बगानी कृषि जो है प्लांटेशन क्रॉप्स, ये इसके अंतर्गत उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं चाय, कहवा, रबड़ एवं नारियल। भारत में कहवा जो है जिसको कॉफ़ी बोलते हैं, इनकी 2 प्रमुख किस्में हैं अरेबिका और रोबस्टा, ये पैदा की जाती है। 1942 के कॉफ़ी अधिनियम 7 के जरिए कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया गया। कॉफ़ी का मूल स्थान अबिसिनिया है। अरेबिका कॉफ़ी उच्च कोटि का कॉफ़ी है और चाय के लिए आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। भारत दुनिया में चाय का द्वितीय सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में रबर बोर्ड का गठन, रबर उत्पादन और विपणन एक्ट 1947 के तहत भारतीय रबर बोर्ड का गठन हुआ। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। यहाँ देश के कुल रबर उत्पादन का लगभग 90% भाग जो है उत्पादित किया जाता है। आम भारत का मुख्य फल है, जो कि विश्व में फलों के राजा के नाम से विख्यात है। ये विटामिन ए, सी, कैल्शियम तथा फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्वों से भरपूर है। आम की बीज रहित यानी सीडलेस प्रजाति सिंधु है। ये विश्व की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है। आम की आम्रपाली किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा वर्ष 1971 में दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई थी। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कुम्फरी चिप्सोना 2 है। केसर जिसको सैफ्रॉन बोलते हैं, इसका वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन जम्मू एवं कश्मीर में होता है और इसे जाफरान भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे हरित क्रांति। तो नॉर्मन अनरेस्ट बोरलॉग का जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आइवोवा प्रांत में हुआ था। मेक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा। इनके द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों में भारत, पाकिस्तान, मेक्सिको सहित अनेक राज्यों में गेहूं का उत्पादन जो है वो 2 गुना हो गया है। भारत में हरित क्रांति का पिता यानी फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादक दोनों में सर्वाधिक लाभ गेहूँ की फसल को प्राप्त हुआ है। 28 जुलाई 2008 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की है। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। आज भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक राष्ट्र है। संसार में सर्वाधिक मछली उत्पादन जो है वो चीन में होता है। मुख्य क्रांतियां एवं उनसे संबंधित वस्तुओं का विवरण ये है, आप देख लीजिए। तो सुनहरी क्रांति उत्पादन उद्यान कृषि फसल एवं सब्जी। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन को बोलते हैं। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन। नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन। हरित क्रांति को खाद्यान्न उत्पादन। श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन को बोलते हैं। उसके बाद है उत्तर प्रदेश कृषि। अब उत्तर प्रदेश कृषि के बारे में हम जानते हैं। तो देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है।
प्रदेश में औसत जोत आकार 0.75 हेक्टेयर है। प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। गाजीपुर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला प्रतापगढ़ है और पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में स्थित है। संसार में भैंसों के संदर्भ में भारत का पहला स्थान, पशुओं तथा बकरियों में दूसरा, भेड़ों में तीसरा, बत्तखों में चौथा, मुर्गियों में पांचवा और ऊँटों की संख्या में छठा स्थान है। अंगोरा बकरी ऊन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली जमुनापारी नस्ल की बकरी है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। देश में उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। वर्ष 1938 में देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई है। 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना एक तकनीकी सलाहकार संस्था के रूप में की गई थी। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन यानी NHM एक केंद्र प्रायोजित वर्ष 2005-06 के दौरान प्रारंभ योजना है। कृषि विपणन जिसको एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोलते हैं, ये सेवाओं की एक श्रृंखला है जिसमें कृषि उत्पादक अपने प्रारंभिक बिंदु खेत से अंतिम बिंदु उपभोक्ता तक पहुँचता है। विपणन की प्रक्रिया के अंतर्गत जिन कार्यों को समाहित किया जाता है वे है फसल कटाई, ग्रेंडिंग, पैकिंग, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण, वितरण, विज्ञापन, विक्रय। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NAFED एक शीर्ष सहकारी संगठन है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद 1987 में अस्तित्व में आया। सहकारी विपणन समितियाँ 3 स्तरों पर कार्य संचालन करता है। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी समितियाँ, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी समितियाँ और स्थानीय स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियाँ। वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग यानी APC की स्थापना की गई थी। 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। अप्रैल 2003 में मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना का शुभारंभ हुआ। कुछ एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कि आप देख लीजिए तो नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च अवस्थित है नई दिल्ली में। भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ 1985 में हुआ था। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई वर्ष 1999 में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी 1992 में। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है, तीसरी में। विटीकल्चर किसे कहते हैं, अंगूर का उत्पादन को बोलते हैं। 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था, तो 15। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है पंतनगर। भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो उससे संबंधित थे इंदिरा गांधी, MS स्वामीनाथन और C.सुब्रमण्यम। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित हुए राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। मैकरानी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों के लिए है, तो ये असिंचित परिस्थितियों के लिए है। ट्रिटिकेल दो के बीच संकर है गेहूं और राई। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक है। तो कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज से। भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का प्याला कहते हैं। किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो मूंग का है। ग्रीन गोल्ड क्या है, चाय है। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नत्रजन संचित करने की क्षमता होती है वो है दलहनी फसलें। प्रमुख रेशम की किस्म व उनके राज्य हैं, तो ईरी रेशम जो है असम राज्य में होती है, मूंगा रेशम असम में, शहतूत रेशम कर्नाटक में, टसर रेशम जो है झारखंड में। मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है अरहर की। ललित एक उन्नत किस्म है अमरूद की। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति है अल्फांसो। भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म है जया। भारत में जूट उद्योग मुख्यतः केंद्रित है पश्चिम बंगाल में। अरहर का जन्म स्थान है भारतवर्ष। स्टॉक फार्मिंग है पशुओं का प्रजनन। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, मैसूरू में है।
और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड परिषद की स्थापना हुई थी वर्ष 1984 में। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जो भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पादक वैरायटी प्रोग्राम। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना संभव है, कितना होने की संभावना है? तो 6 से 7। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है जिंक की कमी का। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र नाम बताए हैं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, चावल के कटोरे। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाले मुख्य शस्य हैं चाय, रबर, नारियल, कहवा। झूमिंग अथवा पैड़ा पद्धति क्या है? जंगल काटकर खेती के लिए सूखने को छोड़ना। लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज से। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर में। कौन सा फसल चक्रवर्ती पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? धान, मक्का, गेहूं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं ओलरिकल्चर। पूसा बोल्ट एक प्रजाति है सरसों की। मटर की पत्ती विहीन जाति है अपर्णा। बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है? धान की है। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की। अब सही सुमेलन दिया हुआ है तो केंद्रीय मृदा लवण अनुसंधान करनाल में है, करनाल संस्थान CSSRI। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान है तिरुवनंतपुरम संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला संस्थान। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर। हरे खाद्य के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नलकूप। मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? धान की। राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की और उत्तर प्रदेश की कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। प्रमुख अनुसंधान संस्थान केंद्र निम्न है भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी संस्थान IIVR, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ और भारतीय बागवानी अनुसंधान बंगलुरु में है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय। वैश्विक कृषिगत उत्पादन में शीर्ष देश हैं तो ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के अद्यतन आंकड़ों के पर आधारित वर्ष 2018 के लिए ये है। तो चावल का देखें तो चावल का होता है सबसे ज़्यादा चीन, फिर दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया है। गेहूं में देखें तो ये सबसे पहले नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पे भारत है। मक्का जो है संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पे है, चीन दूसरे नंबर पे है। ज्वार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे नंबर पे है और नाइजीरिया पहले नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे पे नाइजीरिया है, तीसरे पे सूडान है, चौथे पे इथियोपिया है और भारत जो है ज्वार के मामले में 5वें स्थान पे है। दलहन भारत में सबसे ज़्यादा होता है। मूंगफली छिलका युक्त चीन, दूसरे नंबर पे भारत है। रेपसीड कनाडा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे भारत। सोयाबीन पहला नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे ब्राज़ील है, तीसरे पे अर्जेंटीना है, चौथे पे चीन है और 5वें नंबर पे सोयाबीन के मामले में भारत है। सूरजमुखी बीज जो है यूक्रेन पहले नंबर पे और रूस दूसरे नंबर पे है। गन्ना जो है ये ब्राज़ील पहले नंबर पे और भारत जो है दूसरे नंबर पे है गन्ना के मामले में। कपास के मामले में चीन पहले नंबर पे है और भारत दूसरे। जूट सबसे ज़्यादा भारत में है। आलू जो है चीन सबसे पहले है और भारत दूसरे नंबर पे। प्याज जो है चीन पहले नंबर पे और भारत दूसरे नंबर पे है। टमाटर चीन पहले स्थान पे, भारत दूसरे स्थान पे। सेब जो है चीन का सबसे ज़्यादा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरे पे पोलैंड है। केला जो है भारत में सबसे नंबर पहले पे और दूसरे पे है चीन। नारियल जो है इंडोनेशिया में, फिर उसके बाद फिलीपींस में, तीसरे नंबर पे भारत का स्थान है। अंगूर में चीन पहले में और दूसरे में इटली है, तीसरे में संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे स्थान पे स्पेन है, फ्रांस 5वें स्थान पे और भारत का स्थान देखें तो 7वां स्थान है अंगूर के में। संतरा जो है ब्राज़ील पहले, चीन दूसरे और भारत तीसरे नंबर पे है। चुकंदर जो है रूस पहले, फ्रांस दूसरे, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे।
मसाले में भारत पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे तुर्की है, और आखिरी नंबर पे, पांचवे नंबर पे इंडोनेशिया है। चाय में चीन पहले, भारत दूसरे नंबर पे है। कॉफ़ी हरी वाली, ब्राज़ील पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे वियतनाम है, भारत का इसमें कोई नाम नहीं है। तंबाकू में चीन पहले नंबर पे है, ब्राज़ील दूसरे नंबर पे है, और भारत का स्थान तीसरा है तंबाकू में। और कोकोआ जो है, कांटे डी आयरी पहले नंबर पे है, और घाना दूसरे नंबर पे, इंडोनेशिया तीसरे नंबर पे, और चौथे पे नाइजीरिया है। प्राकृतिक रबर, थाईलैंड पहले नंबर पे, इंडोनेशिया दूसरा, वियतनाम तीसरा, और भारत का स्थान प्राकृतिक रबर में चौथा है। कुल दुग्ध तीन देश, भारत पहले नंबर पे, और दूसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, और तीसरे पे पाकिस्तान है। NDDB के वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार देखें, खनिज, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे खनिज। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र, जिसको धारवाड़ सिस्टम है, ये है भारत के सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल जो है वो तंत्र धारवाड़ तंत्र है। और राजस्थान देश का जस्ता एवं सीसा उत्पादक राज्य है, राजस्थान देश जो है ये जस्ता एवं सीसा उत्पादक राज्य है। प्रकृति में तांबा अयस्क अधिकतर आग्नेय और कायांत्रित शैलों के परतों से प्राप्त होता है, ये बिजली का अच्छा सुचालक होता है। भारत में तांबे की तीन महत्वपूर्ण जिले हैं, झुंझुनू राजस्थान में, बालाघाट मध्य प्रदेश में, एवं पूर्वीय सिंहभूम झारखंड में है। और मलाजखंड, बालाघाट मध्य प्रदेश के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। सांबर झील के पश्चिम भाग के निकट मकराना है, जहां से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। भारत में कोयला दो क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र एवं तृतीय कल्प क्षेत्र में। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। गोंडवाना क्षेत्र में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। एंथ्रेसाइट कोयले का सबसे कठोर, चमकीला और सर्वोत्तम रूप है, इसमें 90 से 95% तक कार्बन की मात्रा होती है। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति सिंगरौली सोनभद्र क्षेत्र में होती है। नून माटी तेल शोधन कारखाना असम राज्य में अवस्थित है। झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा जो है वो अभ्रक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, इसलिए कोडरमा को माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। जादूगोंडा वर्तमान में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, और ये यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर का यांत्रिक चट्टान है। भारत के कोयला उत्पादन वर्ष 2017-18 में छोटा नागपुर का योगदान लगभग 65% है। नामचीक नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बिसरामपुर कोयला के खनन के लिए प्रसिद्ध है। पिंच ब्लेंड जो है ये पिंच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त होता है, पिंच ब्लेंड से। और विद्युत ऊर्जा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है, जो केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर अवस्थित है। NTPC फरक्का ताप विद्युत केंद्र पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अवस्थित है। तमिलनाडु में स्थित नेवेली ताप विद्युत संयंत्र यानी नेवेली थर्मल पावर स्टेशन लिग्नाइट कोले पर आधारित दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र है। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन तत्कालीन आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना है, इसमें अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत संयंत्र जो है वो अनपरा सोनभद्र, ओबरा सोनभद्र, हरदुआंगज अलीगढ़, पनकी कानपुर एवं परीक्षा झांसी। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाला महत्वपूर्ण खनिज परमाणु खनिज यूरेनियम है, और थोरियम दूसरा महत्वपूर्ण खनिज है। थोरियम के भंडार केरल की मोनोजाइट तटीय बालू, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों में पाए जाते हैं। थाल गुरुजल संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और मुनुगुरु गुरुजल संयंत्र आंध्र प्रदेश वर्तमान में तेलंगाना के खम्मम जिले में अवस्थित है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम में स्थित कुडनकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र का पहला रिएक्टर एक दाबित जल रिएक्टर है। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम वर्ष 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के निकट सिद्रापोंग में हुई थी। दूसरा जल विद्युत संयंत्र वर्ष 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में लगाया गया था, और ये कावेरी नदी पर स्थित है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू एवं कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर अवस्थित है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में अवस्थित है। तो ये हमारे भारत के भूगोल जो है, इंडियन ज्योग्राफी, ये कंप्लीट होता है। इम्पोर्टेंट तथ्य जो है ये कंप्लीट हो गए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।